नमस्कार, उमर अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज हम बात करेंगे जो आज के समय में आप कभी भी यदि मार्केट में आप ट्रेड करते हैं, मार्केट में आप किसी तरह के ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, तो आपसे जो सबसे ज्यादा कोई भी आदमी जब भी मिलता है तो एक ही सवाल पूछता है, शू लागे छे, क्या लगता है बाजार ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, कब तक ये रैली चलेगी, या फिर फ्राइडे को जो सेल ऑफ आया है वो एक दो दिन की है, या फिर यहां से मार्केट वापस से डाउन ट्रेंड में चली जाएगी। तो आज इन सारी बातों को हम तो चर्चा करेंगे ही कि क्या लगता है बाजार, ये आप किसी और से पूछे उससे बेहतर है कि आप खुद बाजार का एनालिसिस कर ले कि आपको क्या दिखता है। हम आपको ऐसे कुछ टूल बताएंगे जो बहुत ही सिंपल है, इससे पहले भी हमने उस पर डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी आप लोगों को बनाया है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आप उसको किस तरह से यूज करें और बिना किसी को पूछे कि क्या लगता है बाजार, आप उन सारे टूल को यूज करके आप खुद बता पाए या खुद आप डिसाइड कर पाए कि बाजार किस ओर जाने वाला है या बाजार में अभी क्या करना चाहिए। आज हम बात करेंगे एंकर वीवैप की, आज हम बात करेंगे थ्री लाइन ब्रेक चार्ट की। इन दोनों पे हमने डिटेल्ड में आप लोगों को वीडियो दे रखा है, एंकर वीवैप को भी किस तरह से डे ट्रेडिंग के लिए, वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए और स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं एंकर वीवैप को, ये ऑलरेडी हमने जो है वो आप लोगों को दिया हुआ है। क्योंकि देखिए, एंकर वीवैप जो है वो एक बेहतरीन एग्जाम्पल है वॉल्यूम का, प्राइस का और टाइम का। मीन्स प्राइस, वॉल्यूम एंड टाइम, ये तीनों चीज किसी इंडिकेटर में यदि इनबिल्ट है तो वो एंकर वीवैप है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक तो वो वीवैप है, यानी कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है, और उसको यदि आप किसी भी स्विंग से आप प्रोजेक्ट करते हैं, चाहे वो माइनर हो या मेजर हो, वहां पे वो आप उसको एक टाइम वैल्यू जो है वो वहां पे उसको आप लगा देते हैं। तो हम आज एंकर वीवैप की बात करेंगे और थ्री लाइन ब्रेक चार्ट की बात इसलिए करेंगे क्योंकि थ्री लाइन ब्रेक चार्ट जो है वो नॉइजलेस है, वो नॉइजलेस है। थ्री लाइन ब्रेक में जब तक पिछला तीन कैंडल का लो के नीचे आपका क्लोजिंग नहीं आएगा, तब तक वो आपका डाउन ट्रेंड दिखाएगा नहीं। जब तक हाई पिछले तीन कैंडल के ऊपर यदि क्लोज नहीं होगा तो वो तब तक जो है वो नया आपका कैंडल बनेगा नहीं। तो ये जो लाइन्स है थ्री लाइन ब्रेक चार्ट, ये आपको इसीलिए नॉइजलेस कहा जाता है कि ये इरेस्पेक्टिव ऑफ टाइम, जरूरी नहीं है कि आज का दिन खत्म हो गया लेकिन वो कैंडल फॉर्मेशन हो गया, जब तक वो रेंज को तोड़ेगा नहीं तब तक कोई भी नया कैंडल नहीं बनता है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, आज किसी भी इंस्ट्रूमेंट को आप एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या लग रहा है, क्या हो सकता है, और आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं, थ्री लाइन ब्रेक चार्ट को, एंकर वीवैप को। तो आप फिर चाहे वो 5 मिनट के कैंडल से लेकर के मंथली चार्ट हो या ईयरली चार्ट हो, आप इट्स अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हैं, किस टाइम फ्रेम पे काम करना चाहते हैं और आपका डिसीजन मेकिंग क्या है। तो किसी और से पूछे इससे बेहतर है कि आप खुद डिसाइड करें कि मार्केट में क्या लग रहा है और आपको क्या करना चाहिए। तो आज इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम एग्जाम्पल इंडिया की बात करेंगे तो निफ्टी आएगी, अमेरिका की बात करेंगे तो डाउ जोन्स आएगा। तो इन सारे इंडेक्स पे हम एंकर वीवैप को लगाएंगे, हम थ्री लाइन ब्रेक चार्ट को लगाएंगे और फिर डिसाइड मैं आप पे छोड़ूंगा, आपका डिसीजन होगा कि क्या लगता है, लेकिन उन इंडिकेटरों को किस तरह से यूज करना है, किस तरह से उसको देखना है। मैं आपको वो रूल्स एक बार रिफ्रेश फिर से कर रहा हूँ ताकि जो लोग नए हैं वो उसको सीख जाए, और यदि आपको डिटेल्ड में यदि आपको फिर से समझना हो तो हमारे दोनों वीडियो को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं उसके माध्यम से। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे आपको निफ्टी का चार्ट दिख रहा होगा, निफ्टी के इस कैंडलस्टिक चार्ट को हम क्या करेंगे कि हम इसको बनाएंगे लाइन ब्रेक। अब लाइन ब्रेक बनाने में आप ये देखिए, सबसे पहले ये फ्राइडे को सेल ऑफ आया है, फ्राइडे को सेल ऑफ आया है, हमको यहाँ पे क्लोजिंग दिख रही है 1775 पे। थ्री लाइन ब्रेक का ये तीसरा कैंडल यहाँ है, इसका लो दिख रहा है हमको 1769 का लो है। तो जब तक इसके नीचे यदि ये क्लोज नहीं होगा तो एज पर रूल ऑफ थ्री लाइन ब्रेक, तब तक ये आपको रेड कैंडल, ये आपको फॉर्म, ये आपको फॉर्मेशन दिख रहा है, ये अभी फॉर्म हुआ नहीं है,
क्यों? क्योंकि जब तक ये 698 के नीचे कोई भी डे का क्लोजिंग नहीं आ जाता, क्योंकि ये डेली का टाइम फ्रेम लिया हुआ है, तो डे का क्लोजिंग 698 के नीचे नहीं आ जाता तब तक ये रेड कैंडल कंफर्म नहीं होता है। आप इससे पहले यहाँ पे देख लीजिए, ये तीन कैंडल का हाई जो है वो 15732, ये कैंडल 27 जून का कैंडल जैसे ही इसके ऊपर 15 जून के हाई के ऊपर ये क्लोज होता है, तो ये पूरा कैंडल फॉर्मेशन, और वहां से देखिए कि आपको ये कंटिन्यूअस कितने कैंडल का राइज दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, मतलब मोर देन 20। मैं काउंट बीच में 20 होने के बाद मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मोर देन 20 डेज का ये आपको वन वे रैली आपको निफ्टी ने दिखाई है 3 लाइन ब्रेक चार्ट पे। तो अभी ये इसका ये जो नियरेस्ट हाई है वो 18053 है, 18053 है नियरेस्ट, और अभी का जो हाई दिख रहा है क्लोजिंग बेसिस पे 17956 है, 17956 है। तो प्रीवियस स्टॉप के आसपास ये गया, इससे पहले का प्रीवियस स्टॉप जो है वो 18308, और इसके ऑल टाइम हाई जो हमको दिख रहा है क्लोजिंग बेसिस पे 3 लाइन ब्रेक चार्ट 18477, राइट। अब हमने आपको बताया था कि ड्रॉ कैसे करना है एंकर वीबैप। एंकर वीबैप यहाँ पे आपको ट्रेडिंग व्यू में जाइए, यहाँ पे एंकर वीबैप है, अभी ये ऑल टाइम हाई दिख रहा है, यहाँ पे लो है, हमने इसको हाई कर दिया, और हम इसका कलर को रेड कर देते हैं, तो रेड कर दिया। तो ये ऑल टाइम हाई से जो ड्रॉ किया गया है एंकर वीबैप, उसके ये ऊपर चल रहा है। अभी हम क्या करते हैं कि हम सारे टॉप से, आपको जब भी समझने में तकलीफ आए आप कुछ नहीं कीजिए, आप यहाँ पे ड्रॉ कीजिए, आपको दिखाई देगा कि वो किस तरह से एक एक करके जो है वो आपको हुआ है। तो हमने इस कैंडल का हाई ले लिया, ये थर्ड, और अभी जो लो का यदि आप करेंगे तो लो से ये बना, इसको हमने लो कर दिया, इसको हमने ग्रीन कर दिया, सपोर्ट की तरह होता है एंकर वीबैप लो से ड्रॉ करने के बाद, तो वो आपका हो गया। मैं आपको कुछ और भी चीज यहाँ पे बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए, आप मेजर बॉटम से एंकर वीबैप को जरूर प्रोजेक्ट कीजिएगा, मेजर बॉटम से आपको देखिए, मेजर बॉटम ये 2020 का है, और सबसे बड़ी बात जिस चीज को मैं हाईलाइट अभी आज करने वाला हूँ, वो चीज यदि आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी बेहतरीन चीज है ये एंकर वीबैप। हम जाते हैं 2009 के लो, हम जा रहे हैं 2009 के लो पे, और हम वहां ड्रॉ करेंगे एक एंकर वीबैप, राइट। अब उस एंकर वीबैप को देखते हैं कि उसने क्या किया। ये 2008-09 का जो क्रैश हुआ था 7-8 से, यहाँ पे आपने ड्रॉ किया है ग्रीन लाइन, आपको ये देखिए कि एक लाइन यहाँ पे 2011 में उसने सपोर्ट, इवन आप इसके एक्यूरेसी देखिए, मूविंग एवरेज में क्या प्रॉब्लम होती है, आप कौन सा मूविंग एवरेज यूज करेंगे, 5, 10, 20, 50, 100, बहुत सारे बैक टेस्ट करना पड़ेंगे, लेकिन आप तो इसको स्विंग से कर रहे हैं, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। आप ये देखिए कि आपने 2009 के लो से एंकर वीबैप को प्रोजेक्ट किया हुआ था, और वो एंकर वीबैप आपको 2020 के, देखिए एग्जैक्ट आपको लो मिलना मुश्किल है, यहाँ पर उसने ब्रेक किया और बाउंस, तो ये पावर होती है, यदि वो वैलिड है लॉन्ग टर्म है, जितना लॉन्ग टर्म को आप ड्रॉ करेंगे उतना पावरफुल वो आपको दिखेगा। और चूंकि ये नॉइजलेस चार्ट होता है, ये नॉइजलेस चार्ट होता है, तो ये और भी अच्छी तरीके से दिखाई देता है। तो बेसिकली हम आपको यही आज बताने की कोशिश कर रहे हैं कि रदर देन आस्किंग टू समवन, आप किसी और से पूछे कि क्या लगता है बाजार क्या करना चाहिए, मार्केट सपोर्ट कहाँ लेगा, मार्केट रेजिस्टेंस कहाँ लेगा, तो हमने आपको दो चीज यहाँ पे ऑलरेडी इससे पहले दी है, लेकिन ये एक रिविजन के तौर रूप में कि आप क्या कीजिए, चार्ट निकालिए, खुद से देखिए, और फिर आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। चार्ट को लीजिए, चार्ट को आप कन्वर्ट कीजिए 3 लाइन ब्रेक चार्ट में, नॉइजलेस बना दिया उसको, उस पे लगा दीजिए एंकर वीबैप, हर टॉप से आप ड्रॉ कर सकते हैं, हर बॉटम से आप ड्रॉ कर सकते हैं, और वहां पे देखिए कि क्या वो सपोर्ट ले रहा है, वहां पे प्राइस एक्शन को देखिए, मार्केट आपको बताएगा, मार्केट के प्राइस एक्शन को फॉलो कीजिए कि वहां पे क्या हो रहा है, और वो आपको बता देगा। तो यदि वो लो को तोड़ रहा है तो नेचुरली वो नीचे जाएगा, यदि वो हाई को तोड़ रहा है तो
जो एक डाओ थ्योरी का है, ऑलरेडी हमने डाओ थ्योरी पे आप लोगों को वीडियो दे रखा है, काफी डिटेल में हमने बनाया हुआ है। तो डाओ थ्योरी क्या है, बहुत ही बेसिक चाय है, हाई के ऊपर जो है यदि वो कर रहा है तो मार्केट नया आपको नए वैल्यू जोन में वो जाने की तरह, यदि वो लो तोड़ रहा है तो आपको वो नया वैल्यू नीचे तलाश रहा है। तो आप इस तरह से प्राइस एक्शन को यदि आप फॉलो करेंगे, थ्री लाइन ब्रेक चार्ट के साथ एंकर वीवैप को आप मिलाएंगे, तो आप डिफरेंट चीज को आप एक साथ ला रहे हैं। और इस तरह से जो है वो आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, हमने आपको निफ्टी पे करके दिखाया, हमने 2008 से आपको ड्रॉ करके आपको 2020 का लो दिखाया है कि वहां पे उसने सपोर्ट लिया है। आप इसी तरह से, हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया कि आप इसको डे ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं, आप इस इंडिकेटर से वैल्यू इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। यदि आपने फंडामेंटली, यदि आपने शॉर्ट लिस्ट कर रखा है किसी भी शेयर को, तो आप उसको देख सकते हैं कि क्या प्रीवियस हाई से, ऑल टाइम हाई से ड्रॉ किया हुआ एंकर वी वैप के ऊपर चल रहा है या नीचे चल रहा है, या वो गिरता जा रहा है। तो सब लोग जो पूछते हैं कि सपोर्ट कहाँ आएगा, तो भाई आप उसके ऑल टाइम लो से एक ड्रॉ कर सकते हैं एंकर वी वैप वहां पे। ठीक है, लेगा नहीं लेगा वो तो पता नहीं, वो एक प्रोबेबिलिटी है, आपको ट्रेड लेना पड़ेगा, आपको पता चलेगा कि स्टॉप लॉस हिट हो गया या आपको क्या होगा। लेकिन हाँ, ये टूल है, आप इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं एंकर वी वैप को, और इट्स अप टू द मार्केट। आप मार्केट से फाइट नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ रूल को फॉलो कर सकते हैं विद प्रॉपर स्टॉप लॉस, विद प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, और एक अच्छे साइकोलॉजी के साथ आप रूल के साथ जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि हमारा ये बेसिक सच्ची, बहुत ही छोटी सी चीज हमने आप लोगों के साथ आज डिस्कस किया है, लेकिन देखने जाए तो सिर्फ और सिर्फ इसी के माध्यम से, और नॉर्मल प्राइस एक्शन आपको बता रहा है कि वहां पे डबल बॉटम बन रहा है, डबल बॉटम का ब्रेकआउट हो रहा है या डबल टॉप बन रहा है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने क्या किया, ये ड्रॉ किया हुआ है 2008, इसने एक बार रिटेस्ट किया, बाउंस हुआ, उसने फिर एक रिटेस्ट किया। अभी आप देखिए, यहाँ से जो हमने ड्रॉ किया था, यहाँ से इमीडिएट जो ड्रॉ किया था वो एंकर वी वैप का, उसने सपोर्ट लिया, फिर ब्रेकआउट आया। तो आपको चार्ट पे पता रहा है, वो आपको यहाँ पे बता रहा है, यहाँ से आपने एक दूसरा, ये तो लॉन्ग टर्म का आपने 2008 से ड्रॉ किया था, 2020 में जो लो बना, और वहां से जो आपने एंकर वीवैप को, ये देखिए, ये आपको यहाँ पे उसने एंकर वीवैप का सपोर्ट लिया है, और यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न बना करके उसने आपको ब्रेकआउट दिया है। तो आप ये इस तरह से जो है वो प्राइस को जज करके आप ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको पता है कि आपका रिस्क कहाँ पे है, क्या है, और आप अकॉर्डिंगली अपना ट्रेड कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो अपने 3 ट्रेडिंग बडी के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।